हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन निमृत को और यामी गौतम स्टारर फिल्म दसवीं की, जिसके अंदर जो कहानी है वो डायरेक्टर ने बहुत ही अलग एक्सपेरिमेंट किया है। दो राजनीतिक परिवारों को जोड़कर उसे ने एक नई स्टोरी रच दी है, जिसके बाद क्या ये फैंस को पसंद आएगी या फिर नहीं, उसके लिए आपको ये रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, इसमें अभिषेक बच्चन ने हरित देश के मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी घोटाले की वजह से जेल में जाना पड़ता है, जिसके बाद निमृत कौर को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और इस दौरान सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, जेल में अभिषेक बच्चन काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ऐश कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी को बाहर सत्ता का नशा चढ़ जाता है और वो अब नहीं चाहती कि उनका पति जेल से कभी बाहर आए। वहीं जब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जेल की जेलर बनकर आती है यामी गौतम, और यामी गौतम की अभिषेक से है पुरानी दुश्मनी, क्योंकि उनकी पार्टी पर लाठीचार्ज करने की वजह से यामी गौतम को अभिषेक बच्चन ने ट्रांसफ़र करा दिया था, जिसके बाद यामी न सिर्फ उनसे जेल में उनकी सारी ऐशो आराम बंद करवा देती है बल्कि उन्हें कुर्सी बनाने के काम में भी लगा देती है। और जब ये बात अभिषेक बच्चन को पता चलती है तो अभिषेक बच्चन किसी तरह से बस ये चाहते हैं कि उनका उस काम से छुटकारा मिल जाए और वो किसी ना किसी तरह से उन्हें बेल मिल जाए। हालांकि इसके लिए फिर वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो अब पढ़ाई शुरू करेंगे और अपनी दसवीं की परीक्षा पास करेंगे, जिसकी वजह से वो काम करने से तो बच जाते हैं, लेकिन अब माजरा यहाँ पर आकर अटक जाता है। क्या वो दसवीं की परीक्षा जेल से पास कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी जो निमृत कौर का किरदार निभा रही है वो हर एक कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से वो दसवीं की परीक्षा पास ना करें और कभी भी जेल से बाहर ना आ पाए। तो देखने वाली बात अब स्टोरी में ये रहने वाली है कि क्या अभिषेक दसवीं की परीक्षा पास करेंगे, यामी गौतम को वो सबक सिखा पाएंगे, और क्या जेल से बाहर आकर अपनी पत्नी की सत्ता का नशा उतार पाएंगे या फिर नहीं। खैर, ये फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कई क्रिटिक्स ने इसे 2 से 3 स्टार्स भी दिए हैं। लेकिन आपको बता दें, इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक दिन पहले एक ट्वीट किया, जिसके अंदर वो अपने पिता की कुछ पंक्तियों के साथ अभिषेक बच्चन की तारीफ़ करते हुए नज़र आए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फैंस को दसवीं पसंद आती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमारी इस फिल्म रिव्यू में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहे हमारी ये मज़ेदार वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।